हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स जो गुड्स से रिलेटेड है। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि अगर इंस्टॉलेशन किया गया मशीनरी का या फिर इरेक्शन किया गया बिल्डिंग का और रिपेयर की गई अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग असेट्स की तो किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। विद एग्जांपल हमने कवर किया था कंसेप्ट को। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखें ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट। सबसे पहले ड्राइंग इन गुड्स के रिगार्डिंग, अगर प्रोप्राइटर विदड्रॉ करता है गुड्स को, गुड्स बिजनेस में बनाई गई हैं, बिजनेस की गुड्स को विदड्रॉ करके ले गया लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए ले गया प्रोप्राइटर, तो जब पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स ड्रॉ की गई है बिजनेस से तो इसे ड्राइंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ड्रॉ किया गया वो गुड्स की गई है, तो इस कार से हमने परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट कर देना है क्योंकि जैसे ही विदड्रॉ की गई है गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए वैसे ही जो परचेज़ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेल हम इस कारण नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो सेल है नहीं की गई जबकि प्रोप्राइटर द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को ड्रॉ किया गया। इस कारण से यहाँ पे परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, क्योंकि जब गुड्स को परचेज़ करके लेके आते हैं तो गुड्स की एंट्री करते हैं परचेज़ डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से, तो यहाँ पर जब गुड्स को विदड्रॉ कर लिया गया पर्सनल यूज़ के लिए तो परचेज़ का बैलेंस कम होगा, इस कारण से परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट कर जाता है। सेकेंडली की जो गुड्स ड्रॉ की गई है बिजनेस से वो कॉस्ट प्राइस पे की गई है ना कि सेल प्राइस पे, इस कारण से परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। तो फर्स्ट केस के अंदर जब ड्रॉइंग ऑफ गुड्स है, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स के केस में हमने जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करके, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू में परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे परचेज़ अकाउंट क्रेडिट क्यों किया गया है, क्योंकि जब हमने गुड्स को परचेज़ किया था तो उस टाइम पे एंट्री क्या की होगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट करते हैं टू में कैश अकाउंट, ये एंट्री करते हैं जब गुड्स को परचेज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने परचेज़ अकाउंट डेबिट किया है क्योंकि यहाँ पर गुड्स को परचेज़ करने से परचेज़ का स्टॉक बढ़ गया। यहाँ परचेज़ अकाउंट क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि जब ड्रॉइंग करके किए गए गुड्स प्रोप्राइटर द्वारा, जिससे परचेज़ का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, इस कारण से परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। सेकेंडली की जो गुड्स गई है वो कॉस्ट प्राइस पे गई है ना कि सेल प्राइस पे, इस कारण से हमने यहाँ पे सेल्स अकाउंट दिखाने के बजाय क्या किया, परचेज अकाउंट दिखाया है। सेकेंड केस आता है कि अगर गुड्स है गिव्स अवे, यानी कि जो गुड्स दी गई है एज अ चैरिटी, चैरिटी का मतलब था कि दान कर दी गुड्स, अब यहाँ पर जब चैरिटी की गई है, चैरिटी को एक्सपेंस माना गया बिजनेस के लिए, एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, तो यहाँ पे जो गुड्स चैरिटी के रूप में दी है वो कॉस्ट प्राइस पे दी है, जिस कारण से परचेज अकाउंट को हमने यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट करना है। कैसे एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि चैरिटी को एक्सपेंस माना है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, टू में परचेज अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि इससे परचेज क्या होगी, कम हो गई है। थर्ड केस आता है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, गुड्स है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है यानी कि बांट दी गई है एज फ्री सैंपल के रूप में, तो यहाँ पे जब गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में बांटा जाता है तो एक तरह की एडवर्टीजमेंट की जाती है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि जब भी कोई फ्री सैंपल मिलते हैं तो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट का जो एक तरह का एक एडवर्टाइज़ किया जाता है फ्री सैंपल देकर, ताकि जब लोग उसको यूज़ करें तो जब लोगों को यूज़ करने से वो प्रोडक्ट बेटर लगे तो परचेज़ कर सके उस प्रोडक्ट को। इस कारण से जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं फ्री सैंपल के रूप में तो इसे हम एडवर्टीजमेंट मानते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से इसको रिकॉर्ड किया जाता है। फ्री सैंपल को खर्च माना गया एडवर्टीजमेंट के लिए, तो यहाँ पर एक्सपेंसिस होने के कारण इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू में परचेज अकाउंट। तो जब भी गुड्स है जो दी गई है, चाहे तो वो फ्री सैंपल के रूप में दी गई है, चाहे चैरिटी के रूप में दी गई है, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए गया प्रोप्राइटर, तो हर केस में परचेज अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया है। नेक्स्ट केस आते हैं कि अगर गुड्स से जो लॉस हो जाती है, या तो थेफ्ट यानी कि चोरी हो गई है या फिर बाय फायर यानी आग लगी है, तो कहते कि लॉस ऑफ गुड्स
कि गुड्स का लॉस हो गया बाय थेफ्ट यानी कि चोरी हो गया, या फिर लॉस बाय फायर हो चुके यानी कि आग लगने से नुकसान हो गया। जब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे चाहे लॉस ऑफ फायर है यानी कि लॉस बाय फायर है डेबिट की जाएगी, चाहे लॉस बाय थेफ्ट है, दोनों ही केस में नुकसान हुआ नुकसान को क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। टू में परचेज अकाउंट का जो क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ से परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया कम हो गया। अगर गुड्स का इंश्योरेंस करवाया होता है तो यहाँ पे एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे इंश्योरेंस करने की, इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम के नाम से डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, कोई भी केस हो दोनों में से, लॉस बाय थेफ्ट हो या फिर लॉस बाय फायर हो, तो यहाँ पे गुड्स का जब इंश्योरेंस करवाया गया है जब नुकसान होता है तो क्लेम किया जाता है पहले, तो यहाँ पे ये तो इंश्योरेंस की एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री की जाती है नुकसान होने के बाद क्लेम करने की, तो जब क्लेम रिसीव होता है तो उसकी एंट्री क्या की जाती है, इस एंट्री में इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया गया है। नेक्स्ट केस में अगर क्लेम रिसीव हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी से तो कंपनी के पास पैसा आएगा, तब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे आ रहा है पैसा, ये इंश्योरेंस कंपनी से, तो टू में क्या आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी पूरा क्लेम है जो देती नहीं है, कुछ क्लेम देती है, तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, जो क्लेम रिसीव हो चुका है उसको तो लिख देंगे बैंक अकाउंट के आगे, जो क्लेम रिसीव नहीं है उसको दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर देंगे। टू में जो ये पैसा किससे मिला है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट से। इस तरीके से हमारे पास ये एंट्री थी। अगर लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर का केस है उस केस में पहले इंश्योरेंस कराया है अगर गुड्स का तो क्लेम किया गया है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम का डेबिट करके टू लॉस बाय थेफ्ट या फायर, उसके बाद क्लेम करने के बाद पैसा मिलता तो बैंक आएगा, किससे बैंक आएगा यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से। अगर क्लेम पूरा मिल गया तो ये एंट्री हो जाएगी, अगर क्लेम पूरा नहीं मिलता तो जो क्लेम रिसीव नहीं हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझो इस कंसेप्ट को। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, प्रोप्राइटर ने विदड्रॉ कर ली पर्सनल यूज के लिए कैश 20,000 से, गुड्स वर्थ 10,000 से। अब यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए दो चीज विदड्रॉ की गई प्रोप्राइटर द्वारा, एक तो कैश 20,000 से और दूसरा गुड्स विदड्रॉ की गई 10,000 से। अब जो कैश विदड्रॉ की गई वो तो कैश के नाम से आ जाएगी, लेकिन जो गुड्स विदड्रॉ की गई वो परचेज के नाम से दिखाएंगे। जो प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ करता तो मतलब कि ड्रॉइंग की गई है। एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट किया जाता है, तो यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक तो कैश विदड्रॉ की गई है तो टू में कैश अकाउंट के नाम से आ जाएगा, जो गुड्स विदड्रॉ की गई है उसको हम परचेज अकाउंट के नाम से शो करेंगे। 20,000 की तो कैश विदड्रॉ की है, 10,000 की गुड्स टोटल कितने की ड्रॉइंग की गई है 30,000 से। ड्रॉइंग डेबिट इसलिए की गई क्योंकि यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस कम हो जाता है, ड्रॉइंग करने से इस कारण से हमने ड्रॉइंग को डेबिट दिखाएगा, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट दिखाते हैं बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड होती है ये असेट साइड होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो यहाँ पे हमने लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिखाई होती है, इसमें से लेस करते जब ड्रॉइंग की जाती है, या तो इसमें से लेस करके दिखा दो कैपिटल में से ड्रॉइंग को, या फिर असेट साइड पर ड्रॉइंग को दिखा दो, मतलब क्या कि इसका बैलेंस क्या डेबिट में है, इस कारण से ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। जब पर्सनल यूज़ के लिए विदड्रॉ की गई कैश, कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है, रियल अकाउंट का रूल कहते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है इसको क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, इस कारण से कैश अकाउंट को क्या करते हैं क्रेडिट कर दिया। परचेज अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो परचेज अकाउंट है उसका बैलेंस कम हो गया है जब विदड्रॉ करके ले गया प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को। जब हमने परचेज किए होते गुड्स की उसके एंट्री करते परचेज अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट करके, तो इस केस में हमने परचेज को डेबिट किया होता है, लेकिन जब ड्रॉइंग करके प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को लेगा तो इस केस में परचेज का बैलेंस कम होगा, इस कारण से इसको क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया गया। क्योंकि जब भी बैलेंस कम करना होता तो हम अपोजिट बैलेंस करते हैं यहाँ पे डेबिट के, तो यहाँ पे क्या करते इसको क्रेडिट कर देंगे। सेकेंडली जो गुड्स यहाँ पे विदड्रॉ करके लेके गया प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो कॉस्ट प्राइस पे लेके गया ना कि सेल प्राइस पे, इस कारण से यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट को दिखाया ना कि सेल्स अकाउंट को। गुड्स 50,000 रुपये की एज अ चैरिटी के रूप में दे दी जिसका सेल प्राइस 60,000 था।
अब जब गुड्स है जो सेल ना करके एज अ चैरिटी ग्रुप में दे दी, तब उस केस में हमने कॉस्ट प्राइस दिखाना ना कि सेल प्राइस, क्योंकि सेल प्राइस हम तब दिखाते जब गुड्स को सेल किया जाता। तो यहाँ पे तो गुड्स सेल नहीं की गई, एज अ चैरिटी ग्रुप में दे दी गई है, फ्री में बांट दी गई है। चैरिटी का मतलब क्या होता है कि दान में दे देना गुड्स को। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड की जाएगी वो कॉस्ट वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी, ना कि सेल वैल्यू। जब चैरिटी ग्रुप में दी जाती है तो चैरिटी को क्या माना बिजनेस के लिए, एक्सपेंस माना है। एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू में परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स को एज अ चैरिटी ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिस कारण से परचेज अकाउंट का बैलेंस कम हो गया। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड की जाएगी वो कॉस्ट प्राइस है जो रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि सेल प्राइस। 50,000 से रिकॉर्ड कर देंगे गुड्स 25,000 की डिस्ट्रीब्यूट कर दी एज अ फ्री सैंपल के रूप में। फ्री सैंपल बांटना मतलब कि अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करना, क्योंकि जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनको फ्री सैंपल दे दी जाते ताकि जब वो प्रोडक्ट को यूज़ करें तो वो अट्रैक्ट हों प्रोडक्ट की तरफ, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाए। तो यहाँ पे एक तरह का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया गया है। एक्सपेंस को हमने क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। गुड्स कितने की डिस्ट्रीब्यूट की गई, 25,000 की। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया टू में, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट की गई 25,000 की, उसकी कॉस्ट है 25,000 से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। गुड्स 50,000 की और कैश 20,000 की स्टॉल होता है, चोरी कर ली गई एम्प्लॉय द्वारा। यानी कि 50,000 की तो गुड्स है, 20,000 की कैश, दो चीज़ें चुरा के ले गया। यानी कि लॉस बाय थेफ्ट हो गया, क्योंकि चोरी का मतलब क्या है कि थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। 20 की कैश, 50,000 की गुड्स है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट, जो गुड्स स्टोल की गई है उसको तो परचेज अकाउंट के नाम से दिखा देंगे कि परचेज अकाउंट का बैलेंस कम हो गया। जो कैश कम हुई है उसको हम कैश के नाम से दिखा देंगे टू में, कैश अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे जो गुड्स स्टोल हुई है 50,000 से, कैश स्टोल हुई है 20,000 से, टोटल कितना नुकसान हो गया, 70,000 से। तो 70,000 यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। गुड्स वर्थ 1,00,000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, 1,00,000 रुपए के गुड्स का नुकसान हो गया आग में जलने के कारण। इंश्योरेंस कंपनी एडमिट एंड पेड क्लेम 460% अमाउंट। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मिल चुका है, 60%। तो 40% क्या हो चुके हैं, क्लेम नहीं मिला। 60% तो हम बैंक रिसीव कर लेंगे, जो 40% उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखा दें कि नुकसान की भरपाई है जो नहीं हो पाई। सबसे पहले हमने रिकॉर्ड करें ट्रांजेक्शन लॉस बाय फायर की, लॉस बाय फायर हो चुका है 1,00,000 रुपए का। एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू में, परचेज का बैलेंस कम हो गया, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो लॉस है वो है 1,00,000 रुपए का, तो 1,00,000 रुपए हमने यहाँ पे दिखा देने हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के आगे क्लेम किया जाएगा जो ये लॉस बाय फायर हुआ है। तो यहाँ पे लॉस बाय फायर के लिए क्लेम किया जाएगा, तो यहाँ पे डेबिट है लॉस बाय फायर, तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे टू में, लॉस बाय फायर। क्लेम किसके आगे किया गया, इंश्योरेंस कंपनी के आगे, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। जितना नुकसान है उतने के लिए क्लेम किया जाएगा, तो क्लेम किया गया 1,00,000 रुपये के लिए। लेकिन जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, उसने सिर्फ 60% रुपये ही दिए हैं, तो जब क्लेम रिसीव होगा तो बैंक कितना आएगा, सिर्फ 60% के हिसाब से आएगा। तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो जो 40% रिसीव नहीं है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू में। जो ये पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा है, तो टू में क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा। कि इंश्योरेंस कंपनी के आगे कितना क्लेम किया गया था, 1,00,000 का, तो कंपनी के आगे हमने 1,00,000 रुपये डाल दिए। 1,00,000 में से सिर्फ कितना क्लेम रिसीव है, 60%, यानी कि बैंक सिर्फ 60,000 रिसीव हुआ है, बाकी 40,000 क्लेम नहीं रिसीव हुआ, तो वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो दिखा देना है।
इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था, आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स की, 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट, कि 10,000 लेने थे डेटर से, अब वो बैड डेट हो चुकी है, यानी कि टोटली पैसा डूब चुका है। बैड डेट मतलब कि नॉट रिकवरी ऑफ मनी, तो यहाँ पे रिकवरी नहीं होने जिससे अब यहाँ पे डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बैड डेट एक तरह का नुकसान है, डेबिट किया जाएगा, तो यहाँ पे डेटर्स कम हो जाएंगे। डेटर्स में हमारे पास रोहित का नाम मेंशन है, तो टू में क्या कर देंगे, रोहित को शो करेंगे। बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पैसा अब रिसीव नहीं होगा। टू में डेटर्स कम हो गए, डेटर्स का नाम है रोहित, तो टू में रोहित के नाम से दिखा देंगे। 10,000 अमाउंट है जो बैड डेट के कारण नुकसान होगी। गुड्स वर्थ 20,000 वर यूज्ड बाय प्रोप्राइटर, यहाँ पे गुड्स है जो प्रोप्राइटर द्वारा यूज़ की गई है, इनकी पर्सनल यूज़ के लिए जब गुड्स का इस्तेमाल किया गया तो ये ड्राइंग हो गई है, तो ड्राइंग जो की गई वो गुड्स की गई है, तो यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब गुड्स है, तो इस कारण से परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग को हमने डेबिट कर देना है। टू में परचेज अकाउंट, क्योंकि इससे परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, कम हो गया, 20,000 से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। चार्ज किया गया डेप्रिसिएशन 10% रेट से, सिर्फ 2 मंथ का हमें बोला है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मशीन की कॉस्टिंग है 3 लाख, 3 लाख के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन 2 मंथ का जब करेंगे हम, तो हमारे पास बैलेंस बनेगा 3 लाख का 10% 2 महीने का। 3 लाख कॉस्ट है, 10% डेप्रिसिएशन की रेट है, 2 महीने का हमने चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। 5,000 है जो बैलेंस बनेगा। डेप्रिसिएशन करने से क्या होता है कि जो कैश का आउटफ्लो नहीं होता, लेकिन डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे फिक्स्ड एसेट्स को इस्तेमाल किया जाता है, समय के बीतने के साथ साथ वियर और टियर होने स्टार्ट हो जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स की, जिसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन होने से मशीनरी, जैसे कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर लगा है, तो मशीनरी की जो वैल्यू होती है वो डाउन चली जाती है, तो डेप्रिसिएशन को हम क्या करें, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। मशीनरी की जो वैल्यू है वो डाउन चली गई है, इस कारण से मशीनरी को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा टू में मशीनरी अकाउंट के नाम से। डेप्रिसिएशन की अमाउंट 5,000। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड होते हैं जिसका बैलेंस डेबिट होता है, और यहाँ पे मशीनरी दिखाई जाती है, तो जब मशीनरी का बैलेंस कम हो गया तो डेबिट से पलट के कहाँ चला जाएगा, बैलेंस क्रेडिट में चला जाएगा, क्योंकि जब भी हमने असेट्स की वैल्यू को कम करना होता है तो उसका बैलेंस अपोजिट कर देते हैं, यानी कि क्रेडिट कर देते हैं। अगर हमें बैलेंस बढ़ाना था तो हमने सेम साइड करनी थी, डेबिट कर देना था, लेकिन इस केस में डेप्रिसिएशन के कारण मशीनरी की वैल्यू डाउन चली गई, इस कारण से इसको मशीनरी को हमने क्रेडिट कर दिया है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख एट 6% पर एनम, 15 लाख रुपये की कैपिटल है, उसके ऊपर इंटरेस्ट 6%, लेकिन 9 मंथ का कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होती है, क्योंकि कंपनी को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो इस कारण से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो डेबिट कर दी जाएगी। दूसरी तरफ प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके लिए गेन है, क्योंकि इससे उसके कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, कि जब कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे समझते हैं। 15 लाख रुपये के ऊपर 6% 9 महीने का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कैलकुलेट करने, तो बैलेंस बनता है 6,7,500 से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करते, इस कारण से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया है। दूसरी तरफ प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गेन है, जिससे उसकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, इस कारण से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिखाई जाती है,
लायबिलिटी साइड का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो जब यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा तो हमने सेम साइड से बढ़ाना है। इस कार से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, तो बैलेंस 67500 से 67500 से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। राहुल हु ओड अस 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ रुपीज 60 पैसा इन रुपीज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक। 20,000 लेने थे राहुल से, अब वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, सिर्फ 60 पैसा रुपी ही मिलेगा, वो भी किसके थ्रू, चेक के थ्रू। तो यहाँ पे राहुल से पैसे लेने थे, 60 पैसा तो मिल गया लेकिन 40 पैसा डूब गया, क्योंकि अगर 60 मिला तो बाकी बैलेंस 40 पैसा क्या होगा, डूब गया, नुकसान हो गया, तो ये बैड डेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा रिसीव होना है किससे होना है, डेटर से। डेटर्स कौन है यहाँ पे, राहुल। तो यहाँ पे जो पैसा रिसीव हुआ राहुल से 60 पैसा, वो चेक के थ्रू है, यानी कि बैंक के थ्रू डीलिंग की गई है। तो 60 पैसा तो हमने बैंक के थ्रू दिखा देने हैं, 40 पैसे का होगा नुकसान, जिसे बैड डेट के नाम से दिखाया जाएगा। डेटर्स यहाँ पे कौन है, राहुल। तो 2 में हमने राहुल दिखा देने। डेटर से पैसा रिसीव हुआ वो भी चेक के थ्रू, इस कारण से हमने बैंक अकाउंट शो करना है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब जो पैसा रिसीव नहीं हुआ यानी कि डूब गया, उसको हमने बैड डेब्ट के नाम से दिखा देना है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेटर्स जो कि यहाँ पे राहुल है, तो राहुल को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। अब कितने रुपए लेने थे राहुल से, राहुल से टोटल पैसे लेने थे वो थे 20,000। 20,000 में से सिर्फ 60 पैसा रिसीव हुआ है, 20,000 का 60 पैसा करेंगे 12,000, 40 पैसा नहीं मिला, तो यानी कि 8,000 जो रिसीव नहीं है वो हमने बैड डेट के नाम से दिखा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए किए क्योंकि बैंक अकाउंट हमारे पास है जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। रूल कहता है पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करता है उसको डेबिट किया जाता है। बैड डेब्ट हमारे लिए एक तरह का पैसा रिसीव नहीं होगा, रिकवरी नहीं होगी, तो नुकसान होगा, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इसको डेबिट कर दिया। राहुल यहाँ पे डेटर्स है, जब इससे पैसा रिसीव हो चुका है, हिसाब क्लियर हो चुका है, तो डेटर्स कम हो गए हैं, जिस कारण से राहुल को क्रेडिट कर दिया गया। सेकेंडली राहुल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको क्या कहता है, क्रेडिट करता है, इस कारण से राहुल को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। गुड्स की कॉस्ट 8,000 थी, सेल कर दी मोहन को 1,00,000 रुपये में। अब यहाँ पे 80 वाली चीज को 1,00,000 में सेल किया गया, तो यहाँ पे जो सेल करने से जो बैलेंस दिखाएगा वो सेल प्राइस दिखाया जाएगा, ना कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम तब दिखाते हैं जब गुड्स को या तो चैरिटी के रूप में दे दिया, या फिर एडवर्टीजमेंट कर दी, या ड्राइंग कर दी गई है, जैसे हमने लास्ट केसेस में समझ के आए हैं। उस केस में तो हमने कॉस्ट प्राइस को लिया था, लेकिन जब गुड्स सेल की जाती है उस केस में हमने सेल प्राइस को लेना होता है, ना कि कॉस्ट प्राइस को। तो यहाँ पे गुड्स है जो सेल की गई है, इस कारण से हमने यहाँ पे सेल प्राइस को रिकॉर्ड करना है। लेकिन यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी कैश वर्ड का या फिर बैंक वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब कि सेल किस पे, क्रेडिट पे है, उधार पे जो सेल की गई है। तो यहाँ पे मोहन जो कि पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेल्स हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है, रूल कहते हैं कि जितने भी इनकम्स गेंस होते हैं उसको क्रेडिट कर देते हैं, थ्रू में क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से 1,00,000 दिखा देंगे, मोहन को डेबिट किया जाएगा, मोहन डेबिट टू में सेल्स अकाउंट, जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो सेल प्राइस रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि 1,00,000 है, 1,00,000 है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और कवर करेंगे। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स सोशेंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।